पटना हाईकोर्ट का सिर्फ फॉर्म भरने से ही नहीं होगा दोस्तों, उसमें क्या क्या सिलेबस मांगा गया और एग्जाम पैटर्न आप लोग का क्या होने वाला है, ये सभी चीज को बारीकी से आप लोग सबसे पहले समझ। रिटन टेस्ट का पार्ट वन का काफी इजी होता है, मतलब इसमें बहुत सारे लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, थोड़ा सा घबराएंगे जाकर लोग। कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि सिलेबस को समझे बिना ही इस फॉर्म को भर देते हैं और एग्जाम देने तक भी उनको पता नहीं होता है कि पूरे सिलेबस में मांगा क्या गया। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को हम पूरा सिलेबस समझा देंगे आपके वैकेंसी के तहत, यानी कि बिहार में निकली वैकेंसी पटना हाईकोर्ट का जो वैकेंसी है इसमें कैसा सिलेबस होता है, ताकि आप लोग तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसी दिशा में कर पाए जिस दिशा में आयोग आपको बोल रहा है तैयारी करने के लिए, यानी कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है और आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन कितने पार्ट में डिवाइडेड है, कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे और क्या क्या सारा स्टेप है, वो सभी चीज को समझा देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं जितने भी लड़के या लड़कियां इसका तैयारी कर रहे हैं बहुत ही मन से रहे होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि हमसे जुड़े हुए जितने भी मतलब छात्र होंगे आनंद स्टडी ऑनलाइन से जुड़े हुए, उनका एक बेहतरीन दिशा मिलने के बाद वो जरूर ही एक बेहतरीन तैयारी भी कर पाएंगे। और बहुत सारा वीडियो इस पर डाल भी चुके हैं और बहुत सारा वीडियो आएगा, तो सबका हम प्लेलिस्ट लिंक आपको अंतिम में दे देंगे ताकि आपको सहायता मिल जाएगा इस वैकेंसी संबंधित या अन्य किसी भी बिहार की वैकेंसी आती है तो सबके बारे में हम बताते हैं, उसका भी आप लोग को लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है, यानी कि पटना हाईकोर्ट का जो वैकेंसी है इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। आप जब फॉर्म भर देंगे इसका, आप जब एडमिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, उसके बाद आपके एग्जाम में कहां कहां से कितने क्वेश्चन, सबसे पहले देखते हैं एग्जाम पैटर्न आपका क्या होगा। तो टोटल क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा इस वैकेंसी में, पटना हाईकोर्ट की वैकेंसी में जो पूछा जाता भी था पहले से और इस बार भी ऑफिशियल यही दिया गया है कि 200 नंबर का हम एग्जाम लेंगे और इस एग्जाम को वो पार्ट ए और पार्ट बी मिलेगा, यानी कि दो एग्जाम लेगा, एक ही दिन में दो एग्जाम लेगा, डरना नहीं है। बस एक ही एग्जाम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक ऑब्जेक्टिव लेगा एक थोड़ा सा सब्जेक्टिव लेगा, बहुत हार्ड नहीं है, बस समझने पर देर है, समझ जाइएगा तो लगेगा हम इसको कर सकते हैं, नहीं समझिएगा तो लगेगा बहुत बड़ा पहाड़ है हमसे नहीं होगा, कई सारे विद्वान ये कर पाएंगे हमसे नहीं होगा, तो समझना सबसे जरूरी है आपने के लिए। टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, तो 200 नंबर का एग्जाम होगा 200 क्वेश्चन के साथ, तो कितने मार्क्स हो गए 200 नंबर, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा आपका एक नंबर का होगा, यानी एक मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। आगे देखते हैं टाइमिंग आपको कितना दिया जाएगा इस 200 नंबर के लिए। टोटल टाइमिंग आपके पास 180 मिनट यानी कि 3 घंटा का होगा। 180 मिनट में आप लोग को क्या करना है, 200 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, और आपका जो एग्जाम होगा पार्ट ए में यानी कि पार्ट वन भी बोल सकते हैं और पार्ट बी में यानी कि पार्ट टू भी बोल सकते हैं, इसमें डिवाइडेड होगा। 60 मिनट का आपका पहला एग्जाम होगा, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ये आपका पहला एग्जाम का सिलेबस होगा, और उसी दिन बस 15 मिनट बाद सब उसी क्लास में आप बैठे रहेंगे और 15 मिनट मतलब आपके पास समय दिया जाएगा, उसमें इसका कॉपी ले लिया जाएगा और दूसरा कॉपी मतलब आंसर क्वेश्चन आंसर आपके सामने दिया जाएगा, उसमें आपको काम करना है। ठीक है, तो वो दोनों ये जो आपका एग्जाम होगा वो एक ही दिन होगा, एक ही समय में होगा, एक ही बार होगा, तो ज्यादा घबराना नहीं है। बस यहां पे दोनों को अलग अलग करके टाइमिंग और यहां पे क्वेश्चन अलग किया गया। ठीक है, 60 मिनट का समय आप लोग को पहला एग्जाम के लिए मिलेगा और पार्ट बी के लिए आप लोग को 120 मिनट का समय मिलेगा, जो कि आगे हम डिस्कस करते हैं। इस एग्जाम में क्या निगेटिव मार्किंग है क्या, यह भी बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों में। तो बिहार की वैकेंसी है, बिहार में बहुत सारे वैकेंसी में निगेटिव मार्किंग नहीं देखा जाता है, जिसका फायदा लोग जरूर उठाते हैं। तो निगेटिव मार्किंग नहीं रहने के कारण आपको क्या करना है कि ये पूरे 200 क्वेश्चन जो देख रहे हैं पूरे को आपको रंग करके आना है। अगर वो ऑब्जेक्टिव है तो आपको जरूर उसमें गोला को भरना है, अगर वो सब्जेक्टिव है तो क्या करना है उसमें थोड़ा सा लिख करके आना है, यानी कि अच्छे से वहां पे जो भी आपको आता है उसको लिख करके आना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है, सादा नहीं छोड़ना है, वहां पे कुछ ना कुछ आपको भर देना है। ठीक है, तो निगेटिव का यही फायदा होता है, सब ऐसा करेंगे, अगर आप नहीं करते हैं तो आप गलती करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लैंग्वेज क्या होगा आपके एग्जाम का, यानी कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जितना भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, यानी कि देखिए इंग्लिश से आएगा क्वेश्चन, हिंदी से आएगा, जीके से आएगा, तो यहां पे देखेंगे इंग्लिश का क्वेश्चन तो हिंदी में नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको, हिंदी का क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं देखने के लिए मिलेगा, मात्र जीके का क्वेश्चन जो होगा मतलब जनरल अवेयरनेस का, जीए का जो क्वेश्चन होगा आप लोग का, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने के लिए मिलेगा। तो यही कहा गया कि आपका जो एग्जाम का लैंग्वेज होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ताकि समझने में आपको दिक्कत नहीं हो पाए। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो आपका सिलेबस होगा ना हिंदी और इंग्लिश, ये या नहीं लगा हुआ है और है, मतलब कि हिंदी भी पूछा जाएगा और इंग्लिश भी पूछा जाएगा। कई सारे एग्जाम में हिंदी या इंग्लिश होता है तो कोई एक चुनना होता है, इसमें दोनों है, ये मतलब यही तीनों सिलेबस आपके सामने दिया गया। ठीक है, बाकी देखते हैं लैंग्वेज समझ गए। मोड ऑफ एग्जाम आप लोग का क्या होने वाला है, एग्जाम कैसा होगा, तो ऑफलाइन एग्जाम होगा, मतलब कि कंप्यूटर पर एग्जाम नहीं होगा। तो जितने भी लड़कियां होती है जो पहली बार एग्जाम को देती है उनको समझ में नहीं आता कि कंप्यूटर पर लेगा कि ऑफलाइन लेगा, तो बेंच मतलब पेपर पर आप लोग का एग्जाम होने वाला है। पेन से ब्लू या ब्लैक पेन का आप प्रयोग कर सकते हैं वहां पर रंगने के लिए,
और यहाँ पे देखेंगे ऑफलाइन एग्जाम OMR सीट पे होगा और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप का एग्जाम होगा। सब्जेक्टिव कहने का अर्थ यहाँ पे ये है थोड़ा सा कि ऑब्जेक्टिव में आप देखेंगे रंगने वाला क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव में थोड़ा सा लिखने वाला क्वेश्चन आता है, जिसको कहा गया आयोग के द्वारा कि ट्रांसलेशन हम पूछेंगे। ट्रांसलेशन मतलब हिंदी को इंग्लिश करना, इंग्लिश को हिंदी करना, यही पूछा जाएगा। आगे देखते हैं क्या कहा गया। तो मोड समझ गए एग्जाम का कि कैसे एग्जाम होगा आप लोग का, ऑफलाइन होने वाला, खास रूप से ये ध्यान रखिएगा। निगेटिव पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अच्छे से वहां पर क्वेश्चन को हल कर पाइएगा सबको। सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहा गया, कैसे हम इसमें सिलेक्शन प्रोसेस को लेंगे, कितने स्टेप में इस एग्जाम को हम कंडक्ट करवाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आपका फॉर्म भरा लिया गया, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम मतलब क्या, यही रिटन एग्जाम होगा। इसके बाद मतलब इसमें अगर आप पास कर जाते हैं, कट ऑफ में आ जाते हैं, इसके बाद फिर से आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। किसके लिए, तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। मतलब प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है कि आपका स्किल टेस्ट किया जाएगा, थोड़ा सा कंप्यूटर से नॉलेज आपका चेक किया जाएगा, और एक डिग्री भी आपका देखा जाएगा, जो कि करना जरूरी नहीं है, बस आपके पास रहना चाहिए, कहीं से भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, बिहार की वैकेंसी है। इंटरव्यू उसके बाद देखा जाएगा, मतलब कितने स्टेप में हो गया, तो एक स्टेप यहां हो गया, दूसरा स्टेप कंप्यूटर का हो गया, तीसरा स्टेप आपका इंटरव्यू का हो गया, बस तीन स्टेप के बाद आपका क्या होगा, तो मेरिट लिस्ट आ जाएगा। मेरिट लिस्ट यानी कि आप फाइनली सेलेक्ट हो गए इस पोस्ट में, मतलब कि पटना हाई कोर्ट की वैकेंसी जो है इसमें आपका सिलेक्शन हो गया, बस आपका ज्वाइनिंग आना बाकी है, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न हो गया एग्जाम का कि इस टाइप से आपका एग्जाम लिया जाएगा, क्लियर हो गया। अब आइए समझते हैं कि फर्स्ट पैटर्न में आपका क्या दिया जाएगा, डिटेल से चलते हैं, यानी कि रिटन टेस्ट में देखेंगे क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखेंगे, जैसे आपको बताया कि आपका एग्जाम जो पार्ट ए में होगा 60 मिनट का होगा, उसी के बारे में यहां बताया गया। पार्ट वन में जो आपका एग्जाम होगा, मतलब ए में, ये पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब वन लाइनर क्वेश्चन ऑप्शन के साथ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कुछ इस प्रकार से टिक लगाना, ठीक है। वहां पे इंग्लिश के क्वेश्चन देखे जाएंगे, इंग्लिश मतलब कि 30 नंबर का आपसे इंग्लिश पूछा जाएगा। अब यहां पे आयोग के द्वारा बोला गया कि जनरल इंग्लिश को हम पूछेंगे। जनरल इंग्लिश किसको बोलता है, यहाँ पे जो भी जनरल कंपटीशन में जो इंग्लिश यूज होता है, यानी कि ग्रामर, खास रूप से ग्रामर पर जोर देगा, यानी कि मिस स्पेल्ड वगैरह पूछेगा आपसे, अपोजिट वर्ड पूछेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछेगा, आइडम्स एंड फ्रेज पूछेगा आपसे, फिलिंग द ब्लैंक्स को थोड़ा सा भरने के लिए कहेगा, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको ग्रामर में देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कभी भी आप पढ़े होंगे ग्रामर को, तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव से ही क्वेश्चन देखे जाएंगे, ज्यादा हार्ड यहाँ पे क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और हम बात कर लें कि जो इसका आपका पीटी एग्जाम होता है ना, मतलब कि ये जो एग्जाम होता है आपका रिटन टेस्ट का पार्ट वन का, काफी इजी होता है, मतलब इसमें बहुत सारे लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, थोड़ा सा घबराएंगे जाके लोग इसमें, लेकिन इसमें जरूर क्वालिफाई करेंगे। इसके लिए बहुत सारे लोग तैयारी भी नहीं करते हैं, क्योंकि इजी तैयारी है, आपका इंग्लिश में भी क्वेश्चन हल हो जाएगा अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हिंदी में बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब शुद्ध अशुद्ध वाक्य पूछा जाएगा, शब्द पूछा जाएगा, मुहावरा लोकोक्ति बहुत ही इजी टाइप का पूछा जाएगा, जो कि आराम से आप कर पाएंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा जीए के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए, तो इसके लिए आपको हम बुक हमेशा सजेस्ट कर देते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी हम दे देंगे। ये जीए है जनरल अवेयरनेस, यहाँ पे क्या कहा गया कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, विविध खेलकूद, करंट अफेयर, सबसे मिला के हम क्वेश्चन को पूछेंगे, ये चीज कहा जाता है। उसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन बुक है, जो कि आपको हम पहले भी सजेस्ट कर चुके हैं, खास करके इस वैकेंसी के लिए। हिंदी के लिए तो आपके पास कोई बुक होगा ही पहले से, इंग्लिश का ग्रामर के लिए यूज करते ही होंगे, तो ये जीए के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए आप लोग इस बुक को प्रयोग कर सकते हैं, काफी अच्छा बुक है, आपके हर एक एग्जाम में ये काम आ सकता है। ये है टॉप स्पीड का एडवांस सामान्य ज्ञान, ये आपका पूरा जीके जीएस कवर कर लेगा, यानी जीए भी कवर कर लेगा करंट अफेयर्स को छोड़ करके। करंट अफेयर्स 6 महीना साल भर में पुराना हो जाता है, तो वो आपको कहीं से मैगजीन से कवर करना होगा, बाकी सब चीज आपको इस बुक में मिल जाएगा, टोटल चीज आपको सिस्टमेटिक आप इसको इस बुक में मिल जाएगा। टॉप स्पीड का एडवांस सामान्य ज्ञान है, इसका लिंक हम कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, बुक का बाय लिंक, जो कि अमेजन से आप परचेज कर सकते हैं जाके, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और भी वीडियोज हम लाएंगे, जो कि आपको हेल्पफुल होगा हिंदी इंग्लिश जीए में, यानी कि बहुत सारा चीज आपको डीपली भी हम बताएंगे, कहां कहां से कितना क्वेश्चन आता है, आपका हेल्प मिल जाएगा। और जैसे ही ये पार्ट वन कंप्लीट होता है, अब कैसे कंप्लीट होगा, तो क्वेश्चन तो यहां से आएगा, और मिनिमम जो आपका पास मार्क्स होगा इसमें, खास करके देखिएगा पार्ट वन में 32 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप पास कर जाएंगे, इससे कम आते हैं तो फेल हो जाएंगे, कहीं भी कोई जगह आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 32 नंबर से ज्यादा लाते हैं, मतलब 50 नंबर 60 नंबर ले आते हैं, तो और ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। और टाइमिंग इसके लिए 60 मिनट का दिया जाएगा, जब आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करेंगे तो वहाँ 45 मिनट लिखा गया, लेकिन वो गलती लिखा गया, उसको सुधार करके आयोग फिर से देगा, तो वहां पे 60 मिनट इसका टाइमिंग दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे टोटल क्वेश्चन कितने हैं, तो 30, 30, 60, 20, 80 क्वेश्चन के लिए आपको कितना देर का, 60 मिनट यानी 1 घंटा का समय दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सॉल्व आसानी से बहुत जल्दी आप कर पाएंगे। और जैसे ही ये कर लेते हैं, ठीक है, तो ये समझ गए, जैसे ही ये करते हैं तो 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, जिसमें क्या किया जाएगा,
कि इसका जो क्वेश्चन आपको दिया गया वो समेट लिया जाएगा, क्वेश्चन को उठा लिया जाएगा, उसके बाद आपको फिर से एक नया क्वेश्चन दिया जाएगा उसी समय में, जितने भी लोग छात्र बैठे हैं उसी अपने जगह पे बैठे रहेंगे, उसको फिर से देखकर के पार्ट टू में जो कि एक सब्जेक्टिव का होगा, ट्रांसलेशन का सब्जेक्ट बोला गया है, वहां पे वो क्वेश्चन दिया जाएगा। आप देखिएगा इसके लिए कितना समय दिया गया, 120 मिनट का समय है। तो आप समझ रहे हो कि 80 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट का समय दिया और यहां पे 120 क्वेश्चन है, मतलब कि क्वेश्चन यहां पे नहीं रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। तो यहां पे 120 मिनट का समय यानी कि 2 घंटा आपको फिर से बैठना पड़ेगा एक घंटे के बाद। तो क्या करेगा यहां पे, अच्छा खासा क्वेश्चन देगा। तो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कुछ आपका कि हिंदी टू इंग्लिश आपका कंपैरिजन करना रहेगा, कोई सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यहां पे आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और उसको हिंदी टू इंग्लिश करने के लिए बोलेगा और इंग्लिश टू हिंदी करने के लिए बोलेगा। कुछ पैराग्राफ रहेगा, कुछ ट्रांसलेशन रहेगा, कुछ वर्ड रहेगा, कुछ सेंटेंस रहेगा, इस टाइप से मैचिंग करके आपका सब्जेक्टिव रूप में यानी कुछ लिखना भी आपको पड़ सकता है। लेखन आपका जांच किया जाएगा कि आपको लिखने में रुचि है या नहीं, आपका लिखावट कैसा है, आपका नॉलेज कैसा है, सब्जेक्टिव टाइप में किसी चीज पर आप लेख लिख सकते हैं कि नहीं, लेटर लिख सकते हैं कि नहीं, ये चीज आपका चेक किया जाएगा। और बहुत ही डीपली क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा आपका, मतलब नॉर्मल जो आप 8, 9, 10 में जो लेख लिखते होंगे, लेटर लिखते होंगे, उसी टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा। तो मतलब 5-6 दिन भी आप प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं अपने लेख पे और लेटर पे तो आराम से आप लिख दिएगा। जैसे कैसा होता है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, इस टाइप से बस याद कर लेना है। और बाकी जिस सब्जेक्ट पर देगा कि चिट्ठी लिखना है, छुट्टी का मांगना है, कि किसी चीज पर हमको कहीं घूमने जाना है उसके लिए छुट्टी मांगना है, तो अनुसार से आप सेट कर सकते हैं उस पर, ठीक है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इस टाइप से आपका कुछ टेस्ट लिया जाएगा यहाँ पे ट्रांसलेशन का लिखावट के तौर पर, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा डरना नहीं है, बहुत अलग तरीका से सवाल नहीं पूछेगा, चंद्रमा मंगल ग्रह से सवाल लेकर नहीं आएगा, आप उसी को पढ़े हैं जो 8, 9, 10 में पढ़े हैं, बस उसी को रिपीट किया जाएगा, थोड़ा सा आपका जांचा जाएगा कि आप इसमें कितने एक्सपर्ट हैं, ठीक है। इसके लिए मिनिमम पास जो कहा गया 48 नंबर कहा गया, यानी कि 120 में से देखेंगे 60 नंबर दिया जाएगा आपको। अगर हिंदी टू इंग्लिश करते हैं तो मैक्सिमम 60 नंबर, इंग्लिश टू हिंदी करते हैं तो मैक्सिमम 60 नंबर दिया जाएगा। तो उसमें कम से कम आपको 48 नंबर लाना है तब आप पास किए जाएंगे, लेकिन कट ऑफ आने के लिए 60-70 नंबर भी ले आइएगा, मतलब 55-60 भी ले आएगा तो आराम से पास कर जाएगा। तो ये दोनों को मिला करके क्या देखिए आप कि यहां पे 80 नंबर और यहां पे 120 नंबर, तो टोटल नंबर हो गया ना 200 क्वेश्चन हो गया टोटल, और यहां पे देखें 60 मिनट और यहां पे देखें 120 मिनट, तो 2 घंटा और 1 घंटा 3 घंटा, तो 3 घंटा आपको बताया हम कि यहां पे दिया जाएगा, 3 आवर का समय आपको दिया जाएगा। तो आपका रिटेन जो होगा वो समझ गए, 2 दिन आपका रिटेन नहीं लिया जाएगा, 1 ही दिन लिया जाएगा। ऐसे आयोग के द्वारा बोला गया कि लड़का का संख्या अगर ज्यादा होगा, मतलब छात्र का संख्या अगर ज्यादा होगा तो अलग से हम एक पीटी एग्जाम लेंगे जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस एक ही एग्जाम आपसे लिया जाएगा। बहुत सारे लोग इसको भरने वाले नहीं है क्योंकि बहुत सारे को पता भी नहीं होता क्या है सिलेबस और कैसे हमको तैयारी करना, ठीक है। आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं इसलिए पता है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं। और कमेंट जितना भी आता है, कमेंट हम हर किसी का पढ़ते हैं, कमेंट भी करिएगा, जो आप सीख पाते हैं या जो कंफ्यूजन आपका रह जाता है उस पर भी मेरा वीडियो जरूर आ जाता है, ठीक है। तो हमारा वीडियो आप देखते हैं इसलिए ये सब चीज को जान पाते हैं। आगे चलिए हम देखते हैं कि आपका दूसरा जो स्टेप होगा, तो ये तो हो गया आपका पहला स्टेप जिसमें आप रिटन को क्वालिफाई कर लिए और हम मानते हैं कि हमसे जुड़े हुए जितने भी छात्र हैं वो जरूर कट ऑफ में हाई स्कोर करेंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे। और दूसरा स्टेप में जैसे ही आप पहुंचते हैं तो वहां पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेता है जो कि आपका 25 नंबर का लेता है, ठीक है, 25 नंबर का। इसका नंबर अलग हो गया और ये होता है क्वालिफाइंग मार्क्स का। सेकंड स्टेप जो होगा ना कंप्यूटर वाला, ये क्वालिफाइंग होगा, मतलब इसमें पास करना सिर्फ जरूरी है, हाई स्कोर करना जरूरी नहीं है। तो बात यहां पे ये है कि मेरिट हमारा कौन बनाएगा, तो मेरिट आपका ये बनाएगा, रिटन टेस्ट और यहां पे इंटरव्यू, ये दो चीज मिलके, दो स्टेप मिलकर के आपका मेरिट बनाएगा, जहां पे आपको जरूर से जरूर आना है। अगर वहां छूटते हैं तो आपका ज्वाइनिंग लेटर छूट जाएगा, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ पास करना है। क्या पूछा जाएगा यहां पे, एमएस वर्ड से संबंधित कुछ बात पूछा जाएगा जो कि आपका नॉलेज कंप्यूटर संबंधित लेगा। तो थोड़ा सा कंप्यूटर को, अगर आज से आप इसके लिए मतलब थोड़ा सा एक्टिव हो चुके हैं तो कंप्यूटर का नॉलेज माउस पकड़ना, जैसे जितनी भी लड़की हैं या लड़के हैं जो भी हैं, मतलब माउस पकड़ना हो गया, कंप्यूटर पर ब्राउजिंग करना हो गया, किसी चीज को सर्च करना, बुकमार्क्स क्या होता है, सेव कैसे होता है, फाइल एडिट कैसे होता है, ये सब चीज हो गया। एमएस वर्ड को थोड़ा सा अगर नहीं भी आपके पास सुविधा है तो हो सकता है साइबर कैफे में जाकर समझ लीजिए, या वहां भी नहीं तो कंप्यूटर क्लास ही 2-3 महीना कर लीजिए, सब कुछ आप सीख जाइएगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता। और ये जो सीख गया ना उसको ये तो आराम से निकाल देगा, बस यहां पे बहुत सारे लोग फंसेगा, और जो यहां पे नहीं फंसेगा उसका ये जॉब आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं एमएस वर्ड का थोड़ा सा ज्ञान, तो जाकर के क्या बोलना है कंप्यूटर क्लास में, जाकर क्या बोलना है, एमएस वर्ड हमको सिखा दीजिए जो भी इसका स्टेप है सब बता दीजिए, एमएस एक्सेल हमको सिखा दीजिए जो भी इसका स्टेप है हमको बता दीजिए, बस ये सीख गए तो 10 नंबर यहां से मिलेगा। और 5 नंबर आपका इंटरनेट प्रोफिशिएंसी, यानी कि इंटरनेट को आप कैसे समझते हैं, किस तरह से यूज कर पाते हैं, आपका ब्राउजिंग स्किल क्या है, कैसे आप इंटरनेट को सोचते हैं, इंटरनेट की दुनिया को आप कैसे समझते हैं, ये आपका कंप्यूटर पर चेक किया जाएगा और उसके लिए 5 नंबर आपको दिया जाएगा। टोटल 25 नंबर में से कम 15 से 20 भी आप ले आते हैं बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हम मानते हैं कि आप लोग क्या किए, क्वालिफाई हो गए,
अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तब। आगे चलते हैं, तीसरा स्टेप जो आपका बोला गया है वो इंटरव्यू का बोला गया है। इंटरव्यू में आपसे यहाँ पे मांगा जाएगा 20 मार्क्स का इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा टेस्ट ऑफ उर्दू बंगला कैथी है, थोड़ा सा मेंशन किया गया है अलग से, इस पर ध्यान दीजिएगा। जो भी लोग मतलब अलग से ये स्किल रखते हैं कि उनका नॉलेज है उर्दू में, उर्दू जानते हैं लिख सकते हैं, बंगला जानते हैं लिख सकते हैं, या कैथी एक भाषा है जो कि जानते हैं लिख सकते हैं, क्योंकि ये कोर्ट का बहाली है, थोड़ा सा ओल्ड फैशन इसमें चलते रहता है, बहुत सारी पुरानी मतलब केस वगैरह होगा ना रखा हुआ पुराना केस, उस पर काम करने के लिए कुछ नॉलेज चाहिए इस टाइप का आदमी को। अगर है तो उनको 5 नंबर समझिए कि एक बोनस के तौर पर पूरे ऑल ओवर नंबर में मिलने वाला है, जो कि आप लोग को ये फायदा होगा, ठीक है। अगर ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा और यहां पे 20 नंबर का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इसमें से भी आपको 10-15 स्कोर कर ही लेना है। और नॉर्मल इंटरव्यू होता है, बस वहां पे जाना है, सही तरीके से जाना है, नहा धो के जाना है और सही तरीके से कपड़े पहन करके जाना है और सही तरीके से व्यवहार करना है, और जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत आईएएस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपके लाइफ से संबंधित, जेंडर लाइफ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आसानी से आप उत्तर दे पाएंगे अगर आप उस समय सही तरीके से सोच रहे होंगे और कॉमन सेंस आपका सही तरीके से काम करेगा, तब बस स्थिर रहिएगा, सब जवाब दे पाइएगा, ठीक है। और यहां पे अगर नंबर आता है तो आपका क्या होगा, ये नंबर और रिटर्न का नंबर दोनों जुड़ करके आपका क्या बनेगा, तो मेरिट बनेगा। और मेरिट अगर आपका एक बार बन गया तो बार बार बनने का जरूरत नहीं है, बस एक बार बनना चाहिए, और किसी तरह से बन जाता है तो फिर आपका ज्वाइनिंग आराम से आ जाएगा और आप आकर के आनंद स्टडी ऑनलाइन पे मिठाई भी जरूर हमें खिलाइएगा। तो उम्मीद करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप आपको सब चीज समझ में आया होगा। अब कुछ इन्फॉर्मेटिव बात करते हैं आपसे, यानी कि अगर आप इसका तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूरी है कि बहुत सारा नॉलेज इसके संबंधित आपको होना चाहिए, यानी कि सब चीज शुरू से लेकर के अंतिम तक आपको जानना जरूरी है। तो इसके लिए हम डिटेल वीडियो भी बना चुके हैं जो कि वैकेंसी डिटेल होगा, यानी कि वहां पर यह बताएं इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, एज क्या होगा, वहां पर क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कैसे होगा, हर एक चीज कितना पोस्ट है, कैसे तैयारी करना है, तो ये हर चीज हम बता चुके हैं। उसका लिंक आपको यहां पे दिख रहा होगा, ठीक है, इस पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, या थोड़ी देर हमारे चैनल पर आप समय देंगे तो मेरा प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो उसका बड़ा होगा, और भी बिहार संबंधित बहुत सारी वैकेंसी है, इसको आप जरूर डाले होंगे, वो सभी को देखना जरूरी है। थोड़ा समय निकालिए और सारे वीडियो को देखिए, बहुत सारा चीज आपको समझ में आएगा और मजा भी आएगा कि हां इस तरीके से हमको तैयारी करना है, तो एक राह मिलेगा। इसके लिए भी बहुत सारा वीडियो हम लाएंगे, और भी रूटीन पे वीडियो लाएंगे, सिलेबस पे डिटेल वीडियो लाएंगे, हर एक टॉपिक को आपको बताएंगे इंग्लिश से क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है और जीए में क्या पढ़ना है। जो बुक आपको सजेस्ट की वो जरूर आप फॉलो करिएगा, उसको बुक भी जो सजेस्ट की आपको फॉलो करिएगा, और सब चीज का हम एक डिटेल वीडियो लाएंगे, उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट से समझ में आता है कितना लोग इसके लिए उत्सुक है, एक्टिव है, तब वीडियो जल्दी से आपका आ जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज अच्छे से समझ में आ चुका होगा, तो मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक सब्सक्राइब शेयर अभी तक आप लोग जरूर कर दिएगा, हमें बोलना नहीं पड़ेगा, आप लोग जरूर समझदार हैं। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।